हेलो बच्चों, आज गैफी अपने परिवार के साथ मुंबई समुद्र के पास वाली जगह घूमने जा रही है। चलिए जानते हैं गैफी ने वहाँ के बारे में क्या क्या जाना। गैफी मुंबई के समुद्री तट पर जाकर बहुत खुश है। वहाँ जाकर गैफी सोचने लगी कि समुद्र के पास वाले क्षेत्रों को तटीय क्षेत्र क्यों कहते हैं। क्या आप ये जानने में गैफी की मदद करेंगे? आपने बिल्कुल सही सोचा। तटीय क्षेत्र वो स्थान है जहाँ समुद्र और भूमि एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ की भूमि पथरीली, कीचड़ से भरी और रेतीली होती है। गैफी अब ये जानना चाहती है कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं। क्या आप गैफी की मदद करेंगे? बिल्कुल सही। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बच्चों, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात में है? गैफी अब समुद्र तट पर एक रेत का महल बना रही है। तभी उसने देखा कि एक केकड़ा उसकी तरफ आ रहा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि और कौन कौन से जानवर हैं जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं? आप बिल्कुल सही हैं। समुद्री कछुए, मछली, झींगे, केकड़े, जंगली सुअर और हिरन जैसे जानवर तट पर रहते हैं। गैफी को अब भूख लग रही थी। उसने देखा कि वहाँ के लोग मछली और झींगा खाना बहुत पसंद करते हैं। गैफी ने भी खाने में मछली और झींगा खाया और साथ ही ये भी जाना कि मुंबई में लोग मराठी भाषा बोलते हैं और वो कई अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों का घर है। यहाँ होली, गणेश उत्सव, दिवाली, ईद और क्रिसमस सभी त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। गैफी को वहाँ बहुत मजा आया। अंत में गैफी ने सूरज को डूबते हुए भी देखा। उम्मीद है आपको भी तटीय क्षेत्रों के बारे में जानने में मजा आया होगा। आइए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। तटीय क्षेत्र क्या है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? कुछ तटीय जीवों के नाम बताइए। इनके उत्तर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने तटीय क्षेत्र के बारे में जाना।